कॉलेज में रह के स्टडी करते वक्त पैसे कैसे कमाएं, आप कमाना चाहते हो, हर कोई कमाना चाहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो प्रैक्टिकल हैं और उन्हें बाद में आप एक बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो कॉलेज से स्टार्ट करके। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट। करिए फिर शुरुआत, चलो। सबसे पहली वेबसाइट जो आपके कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा काम आ सकती है वो है printrov.com। ये वेबसाइट क्या करती है, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं तो लिखा है बैकस्टेज टू योर ऑनलाइन प्रिंट स्टोर। बेसिकली ये प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट है, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, इनके पास अगर आप इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी देखें तो इनके पास 250 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिनमें आ जाता है मेंस क्लोदिंग, वुमेंस क्लोदिंग, हुडीज, फोन केसेस, पॉप ग्रिप्स, मग्स, कोस्टर्स, नोटबुक्स, पोस्टर्स, माउस पैड्स, ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें। अब यहाँ पे मेन बेनिफिट क्या होता है इसमें, कि आपको एडवांस कुछ भी नहीं देना होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ डिज़ाइन की 200 टी शर्ट्स चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं कि वो 200 बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, आप इन्हें पर टी शर्ट भी पैसे दे सकते हो। अब ये आपको आपके कॉलेज में कैसे काम आ सकती हैं, बहुत ही आसान है। इस वेबसाइट के थ्रू आपको अपने कॉलेज में पैसे कमाने का तरीका वो ये है कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा होगा या कुछ भी एक्टिविटी हो रही होगी और उसके लिए उनको टी शर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं एक ब्रांडिंग करने के लिए। ऐसे मौक़ों को ढूंढो एंड देन उनको ऑफर करो, इनसे बात करो कि ये कितने पे दे रहे हैं, उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करके उस इवेंट के लिए तुम टी शर्ट्स बेचो। इनका एक बहुत डेडिकेटेड डैशबोर्ड है, अपने डिजाइन को अपलोड करना, उन्होंने प्रिंट करना बहुत ज्यादा आसान है। इट्स लाइक अ रिचार्ज कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 150 टी शर्ट्स का ऑर्डर आया, देन आपको 150 टी शर्ट्स के ही पैसे देने हैं। ये नहीं कि आपको एडवांस में 500 टी शर्ट्स बना के रखनी पड़ेंगी और उसमें पता चले कि बिकी ही 150 है। जितनी टी शर्ट्स का ऑर्डर आएगा उतने ही पैसे देने हैं। आप फोन केसेस बेच सकते हो, आप माउस पैड्स बेच सकते हो, आप वुमेन्स क्लोदिंग, हुडीज, सर्दियां आने वाली हैं, आप उसके अराउंड कुछ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, डू ट्राई दिस आउट। अपना क्रिएटिव दिमाग लगाओ कि आप अब इस चीज़ को अपने कॉलेज में कौन सी चीज़ है जहाँ पे उस पर यूज़ कर सकते हो। stock.adobe.com। इसमें क्या है कि अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ खींच लेते हो, देन आप अपनी फोटोज़ इस वेबसाइट के ऊपर बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको लोगो बनाने की साइंस का पता है कि एक लोगो को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और आप एक अच्छे लोगोस बना लेते हो, देन आप इस वेबसाइट पे जाके अपने लोगोस को भी बेच सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाके, मैं एक ऐसे ही आरे लोगो ऋषि अरोड़ा के नाम से मैं लोगो ढूंढना चाहूँ, तो देखें मुझे कितनी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगी यहाँ पे, आरे लोगो में कितनी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगी। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा लोगो पसंद आ रहा है। ये ऑलरेडी बहुत से डिज़ाइनर्स ने आरे के रिलेटेड अपने लोगोस सबमिट किए हुए हैं। जैसे कि ये आरे लोगो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और अगर मैं इसका एक्सटेंडेड लाइसेंस खरीदना चाहता हूं तो मुझे अराउंड 6000 रुपीस देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ग्राफिक्स की स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोग्राफी की स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन वेबसाइट्स के ऊपर मोनेटाइज कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्किल्स को तो शार्प करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वेबसाइट जो आपको कॉलेज में स्टडीज के दौरान भी काम आएगी और इन फ्यूचर जब आप जॉब वगैरह अप्लाई करोगे तब भी वो काम आएगी, वो है internshala.com। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है internshala, यानी कि ये आपको इंटर्नशिप लेने के लिए हेल्प करेगी। यहाँ पे आप अपनी सिटीज के हिसाब से भी इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इवन कि ये इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आपकी चाहे जो भी आपकी जिस फील्ड में भी आपकी स्टडी है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एमबीए कर रहे हैं, आपको हर तरह की कैटेगरी में यहाँ पे इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एथिकल हैकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। अब इंटर्नशाला में क्या है कि जो ये इंटर्न्स, जो कंपनीज यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, ये उनकी बहुत अच्छी तरह से एक स्ट्रॉन्ग चेकिंग करते हैं। तो यानी कि जितने भी इंटर्नशिप्स आपको यहाँ पे लगेंगी वो एक बहुत जेन्युइन होंगी। आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो और साथ साथ इंटर्नशिप करके आप पैसा भी कमा रहे हो और वो उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है एंड इन फ्यूचर आपको वो जॉब लेने में भी मदद करेगी। इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं, डिजाइन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लैंग्वेज में, करियर डेवलपमेंट में, तरह तरह की ट्रेनिंग्स भी इनके पास अवेलेबल हैं। वेरी गुड वेबसाइट, डू एक्सप्लोर अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस हो, internshala.com। नेक्स्ट स्किल जो आप स्टडी करते वक्त रिफाइन कर सकते हो वो है ट्रेडिंग स्किल्स। ट्रेडिंग स्किल एक ऐसी चीज है जो आपने एक बार लाइफ टाइम में रिफाइन कर ली, वो आपको लाइफ टाइम फ्रूट देती है और एक्सपीरियंस के साथ वो फ्रूट बढ़ता ही जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको अपनी
ट्रेडिंग से ज़्यादा इनकम हो रही होगी, लेकिन अब ट्रेडिंग आपको सीखने का आया। वेल, वही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी खुद की वेबसाइट लेके आ रहे हैं, academy.com। अभी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन ये वेबसाइट क्यों सबसे अलग क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने कंटेंट को पूरा डिवाइड कर दिया है कि जो जिसे ये भी नहीं पता कि स्टॉक क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, वो भी इस वेबसाइट पर आके सीख पाएगा। यानी कि बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखें कॉन्टेंट को डिवाइड किया है प्री स्कूल में, किंडरगार्टन में, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, मास्टर्स फर्स्ट ईयर, मास्टर्स सेकंड ईयर, और ये सारा वीडियो बेस्ड कंटेंट होगा। जैसे जैसे हम प्री स्कूल से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कंटेंट एडवांस होता जाएगा। बहुत ही जल्द हम इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। मैं और मेरी टीम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेडर हूं, एक ट्रेडर की क्या जर्नी होती है और उसे कैसे सीखना चाहिए। लेकिन तब तक आप हमारे एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। डू चेक इट आउट। नेक्स्ट वेबसाइट नहीं, एक ऐप है, दुकान ऐप, जहां पे आप फ्री में अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हो। अभी आपको कॉलेज के दिनों में कैसे हेल्प हो सकती है, आपको अपने आसपास के, अगर आप लड़की हो तो देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके आसपास की लड़कियों को चाहिए, या फिर अगर आप लड़के हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके आसपास के दोस्तों को चाहिए, जो आपको अभी हॉस्टल्स में उन्हें नहीं मिल रही है, आप उन्हें कैसे प्रोवाइड कर सकते हो अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करके कॉलेज के अंदर ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ से लुधियाना पास है तो लुधियाना से होलसेल कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगर मैं वहाँ से होलसेल पे कपड़े लेके आऊँ और मैं उसको एक मार्केटिंग करूँ कॉलेज के अंदर ही कि आप मेरे ई कॉमर्स स्टोर से ऑर्डर करो और Within 2 hours में आपको डिलीवरी करूंगा, या फिर within 1 hour में आपको डिलीवरी करूंगा और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, और अगर आपको पसंद ना आए कोई रिटर्न चार्जेस भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी भी आपने करनी है, विदिन कॉलेज करनी है। तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, एक छोटा सा अपने कॉलेज में ही एक अपना ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आप उस चीज़ को हैंडल करो और उसे आपको पता ही आप कितना बड़ा ग्रो कर सकते हो। आप विदिन योर सिटी एक लेके जा सकते हो कि आप विदिन योर सिटी आप 2 घंटे में डिलीवरी करोगे, एंड देन स्टेट वाइज ले जाओ, जितना भी आप बड़ा कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन छोटे से शुरुआत करो कॉलेज में रह के, एंड देन उसको एक्सपीरियंस करो कि कैसे होता है। पेन पॉइंट्स को ढूंढो कि आसपास आपके दोस्तों को या सहेलियों को चाहिए क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट बहुत ही गोल्डन वेबसाइट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, मेरी फेवरेट वेबसाइट है, क्योंकि पैसा कमाना एक चीज़ है और उस पैसे को बचाना एक चीज़ है। वो वेबसाइट है jagoinvestor.com। इस वेबसाइट के ऊपर पैसे को संभालना कैसे है, एक रियल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एमरजेंसी फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, SIPs के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, जो एक हमारे इंडियन परस्पेक्टिव के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर आर्टिकल्स हैं, जिन आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ लो तो आपके जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के जो एक वो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सारे प्रैक्टिकल तरीके पैसा कमाने के। वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हौसला मिलता है, वैसे भी आज के दिनों में हमें हौसला ही चाहिए बहुत ज़्यादा, पता ही आपको क्यों आपसे क्या छुपा है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।